देखिए आप सभी का आजाद रिपोर्टर के इस फेसबुक स्ट्रीमिंग में स्वागत है। मेरी मौजूदगी इस वक्त मानगो पुल में। एक अजीबो गरीब मामला सामने आया है। दरअसल एक व्यक्ति इस दो पुल के बीच में एक पाइप पास हुआ है और उस पाइप के बीचों बीच में फंसा हुआ दिख रहा है। आइए आपको दिखाते हैं कि वो देखे भाई थोड़ा नीचे ले जाए जगह है ये दिख रहे नहीं करेगा। क्या दिख रहा है भाई, क्या है पूरा, क्या हुआ, क्या समझ में आ रहा है? ये लगता है कि नशा में है। हाँ, नशा में लगता है ये पाइप के थ्रू वहाँ आके टूट गया लग रहा है। किस जगह है? मानको पुल पे है। किसके सहारे मतलब वहाँ लेटा हुआ है? दो पाइप के सहारे वो बीच में वो लेटा हुआ है। देखिए इस अंधेरा होने के कारण शायद दृश्य में आप लोगों को नहीं दिख रहा है, लेकिन मामला यही है कि मानगो ब्रिज यानी कि छोटा पुल और बड़ा पुल के पीछे एक पाइपलाइन पार हो रहा है। देखिए अगर आपको बीच में ये दिखता होगा तो यहाँ देखिए आपको मूवमेंट दिख रहा होगा। कहाँ पे दिख रहा था? यहाँ प्लस हम ठीक है नहीं नहीं वो नहीं आ रहा है घूम कर कुछ आ रहा है देखिए ये स्क्रीन पे दिख पाना मुश्किल है अंधेरा होने के कारण, लेकिन ये देखिए यहाँ पे एक जगह है, आपको ग्रीन कलर का टी शर्ट दिख रहा होगा और आपको हाथ दिख रहा होगा। ये अजीबो गरीब मामला है और कहीं ना कहीं ये अब इसको रेस्क्यू कैसे किया जाएगा ये देखना है कि क्योंकि जिस जगह पे वो मौजूद है वहाँ से इसको निकाल पाना, क्योंकि जिस तरह से वो दिख रहा है पूरे तरह नशे के हालात में दिख रहा है, उसको होश तक नहीं है कि वो आखिर सोया कहाँ है। तो नशा जिस तरह से जमशेदपुर में बढ़ रहा है उसका एक आज अजीबो गरीब मामला आपको जमशेदपुर के मानगो ब्रिज में दिख रहा है। देखिए अगर आप यहाँ स्क्रीन पे देखते होंगे तो देखिए ये हाथ का मूवमेंट आपको दिख रहा होगा। तो ये मानगो ब्रिज और छोटे ब्रिज के बीच एक पाइप घुस रहा है, पतला सा एक पाइप है और उसी के बीच में वो बड़ी आराम से सोया हुआ है। अब इसको वहां से रेस्क्यू कैसे किया जाएगा ये एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क जो इस वक्त मानगो थाना के सामने उत्पन्न है। इंस्पेक्टर थाना प्रभारी मौके पर मौजूद है अपने दल बल के साथ। अब इसको वहां से बाहर कैसे निकाला जाएगा देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखता होगा ये जो ग्रीन कलर का टी शर्ट है हाथ है। तो एक बड़ा देखिए भीड़ भी उत्पन्न हो रही है, नो एंट्री भी खुल चुका है, ट्रैफिक कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होने का बात है और ये बड़ा चैलेंजिंग का इस तरह का मामला जमशेदपुर में शायद पहले देखने को नहीं मिला होगा। तो एक बड़ी खबर इस वक्त जो मानगो से निकल कर आई है, जमशेदपुर के मानगो ब्रिज में छोटे पुल और पीछे पुल के बीच में एक पाइपलाइन गुजरा हुआ है, वहां पर एक बंदा जो नशे की हालत में पूरी तरह से दिख रहा है आराम से सोया पड़ा है। अब उसको रेस्क्यू कैसे किया जाएगा, वहां से निकाला कैसे जाएगा इसको देखना दिलचस्प होगा। पुलिस मानगो थाना प्रभारी मौके पर अपने दल बल के साथ पूरी तरह मौजूद है। हाँ जाहिद अनवर भाई पाइप में कैसे गया तो ये एक अब तक तो ये सस्पेंस ही है क्योंकि किसी ने देखा नहीं। गनीमत यह रहा कि रात के वक्त किसी की गुजर बसर हो रही थी तो नजर पड़ी, जिसके बाद ये हल्ला हुआ, उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर मानगो थाना प्रभारी भी आया। अब मौके पर मौजूद है मानगो थाना प्रभारी निरंजन कुमार अपने दल बल के साथ है। एक चैलेंजिंग टास्क, अब देखना है इसको किस तरह से रेस्क्यू किया जाएगा।
जाहिद अनवर भाई, पाइप में कैसे गया? ये अब तक का तो सस्पेंस है, किस तरह से वो गया, अब उसको सबसे बड़ा सवाल है अब उसको निकाला कैसे जाएगा, गया कैसे, ये तो एक सस्पेंस पहली रह गया, लेकिन अब उसका क्या होगा, क्योंकि वो पतला सा पाइप बीच से पार हुआ है, ज्यादा चौड़ाई नहीं है, अब उसको वहां से निकाला कैसे जाएगा एक बड़ा सवाल है पुलिस के सामने। अब एनडीआरएफ की टीम आएगी, गोताखोर आएगी, गोताखोर भी किस तरह से मदद करेगी, क्योंकि वो पानी में नहीं है, पुल के जस्ट थोड़ा सा ऊपर एक पाइप गुजरा है, उस पाइप में बड़ी वो आराम से सोया हुआ है। नशे की हालात जिस तरह से जमशेदपुर और आसपास के इलाकों में नशे का मामला सामने आ रहा है, वो अजीबोगरीब मामला, आज कहीं ना कहीं नशे के हाल में ही लड़के ने एक बड़ा फैसला लिया, वो पाइप के बीच कैसे पहुंचा एक बड़ा मामला है। क्या मामला, क्या समझ में आया अब तक का, क्या मामला क्या? पुलिस को बोलिए। देखिए जिस तरह से जमशेदपुर में नशा आम दिनों में नशा फैलता जा रहा है, लोग नशे के आदि होते जा रहे हैं, एक नशा करता हुआ जीता जागता फिर आपको उदाहरण देखने आया मिला है, एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जिस तरह से नशे के हालत में वो लड़का उस बीच फंस गया, आखिर वो लड़का पहुंचा कैसे, आइए फिर आपको हम स्क्रीन पे दिखाते हैं। कहाँ से घुस गया अंदर, वहाँ पर बोले था कुछ चला जाएगा बाहर। अबे देखिए ऊपर आने की कोशिश लगातार की जा रही है, अब देखना है किस प्रकार वो ऊपर आता है, आखिर वो पहुंचा वहां कैसे, वो भी एक बड़ा सवाल है। अब इसको रेस्क्यू कैसे किया जाएगा, यहां से निकाला कैसे जाएगा। दो जने की एक जन फंस गया वहाँ पे, गमछा मत दे पकड़े तो नीचे चल जाएगा, बेमतलब में तुम लोग को पढ़ाएगा। देखिए लोगों का भीड़ है और वो लड़का जो पिछले कई सालों कई दिनों से कई घंटों से सोया हुआ था वो उठकर बैठा और निकलने की कोशिश कर रहा है, अब देखना कि वो किस प्रकार वहाँ निकलता है, अगर वो पहुँचा खुद से वहाँ पर है तो निकलेगा भी। और देखिए लोग भी यहाँ जम गए हैं। देखिए स्क्रीन पे आपको उसका पैर दिखता होगा साफ तरीके से, जो पिछले कई घंटों से वहाँ आराम से सोया पड़ा था, अब वो उठकर बैठ गया और निकलने की कोशिश कर रहा है, हाथ भी ऊपर कर रहा है, अब देखना है कि वो कामयाब हो पाता है कि नहीं, क्योंकि नीचे मानगो सुवर्णरेखा नदी पानी का फ्लो भी बढ़ा हुआ है, लेवल भी बढ़ा हुआ है, अगर उसमें जाता है तो फिर उसको रेस्क्यू कैसे किया जाएगा, और अगर वो बाहर निकलता है तो कैसे। देखिए आपको स्क्रीन पर साफ दिखता होगा ये तू वहीं बैठो, वहीं रुको, गाड़ी है।
उधर किरा ना रहा, तुमको निकाल लेंगे। ए भाई उठो, ए वहीं रहो भाई, रहो भाई, उठो भाई, उठो रे, उठो उठो, वहीं रहो, किरा ना रहा, निकाल लेगा तुमको, निकल लेगी, उठो भाई, उठो भाई, उठो। देखिए पुलिस के द्वारा लगातार उसे हिदायत दी जा रही है, उसे कहा जा रहा है कि वहीं रुको, क्रेन को बुलाई गई है शायद उसको निकालने के लिए। क्रेन आ रहा है, सांची से चल दिया, सांची से क्रेन चल दिया है, जैसा कि हमारे अधिकारी ने सूचना दी है, लेकिन वो हाथ पैर लगातार मार रहा है, उसे रोकने की कोशिश की जा रही है कि ताकि वो उसको फिर क्रेन के सहारे रेस्क्यू करके बाहर निकाला जाए। देखिए लगातार वो निकालने की उसको कोशिशें जारी है। हम जूम करके भी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से उसका पैर जो है वो बाइक के सारे लटका हुआ है, लगातार निकलने की कोशिश। तुम वहीं बैठो चुपचाप। हाँ देखिए पुलिस जो मानगो थाना पुलिस यहाँ मौके पर मौजूद है, लगातार उसे हिदायत दे रही है, चेतावनी दे रही है कि वहीं रुके रहे, लेकिन वो लगातार कोशिश कर रहा है कि किसी तरह बाहर निकला जाए। और नीचे आपको मैं बता दूं कि स्वर्णरेखा नदी और अभी जो लगातार बारिश हुई थी उसके बाद से जलस्तर भी बढ़ा हुआ है। जरा सी चूक इसकी जान भी ले सकता है। आप लगातार तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं कि किस तरीके से वो पाइप के सहारे लटका हुआ है। युवक नशे की हालत में बताया जा रहा है, पुलिस के तमाम अधिकारी जो हैं वो उसको निकालने का प्रयास कर रहे हैं। नदी की गहराई भी चरम पर है। देखिए अब वो निकलने की कोशिश जो है वो लगातार ऊपर आने की कोशिश। देखिए लगातार मानव थाना प्रभारी द्वारा कहा जा रहा है कि क्रेन आ रही है उसको रेस्क्यू करने के लिए, अगर उस वक्त वहां रहता है तो उसे शायद रेस्क्यू करके बाहर निकाल लिया जाएगा, लेकिन लगातार जिस तरह से वो हाथ पैर मार रहा है, पिछले कई घंटों से आराम से सोया पड़ा था, लेकिन जब भीड़ यहाँ जुड़ी तो अब वो निकलने की कोशिश कर रहा है। पुलिस जो है उसको लगातार चीख रहा है, युवक अब नशे के हाल में है क्या, लोगों का कहना है कि नशे की हालत में है और लगातार उसकी आवाज आ रही है चीखने की। लगातार पुलिस के अधिकारी जो है उनको उस व्यक्ति को जो है हिदायत दे रहे हैं कि बार बार जो है निकलने का प्रयास ना किया जाए। साक्षी से क्रेन बुलाई गई, वो खुद भी जो है निकलने का प्रयास कर रहा है। अब उसको देखिए पुलिस के अधिकारी जो है वो एक वो रेस्क्यू के लिए अब नीचे उतर। देखिए एक बड़ी पहल अब पुलिस के द्वारा, काफी बड़ा देखिए लगातार जो है डर से। देखिए जिस तरह से पुलिसकर्मी, जमशेदपुर पुलिसकर्मी, इनके हिम्मत को सलाम, जिस तरह से हिम्मत करके वो, और ये देखिए हाथ को पकड़ लिया गया है, काफी बड़ा काम, काफी साहस से काम जमशेदपुर पुलिस के एक। देखिए रस्सी फेंका जा रहा है और जमशेदपुर पुलिस का नौजवान जिस तरह से अपने जान को जोखिम में डालकर एक आम नागरिक को बचाने के लिए उतरा है, काफी सराहनीय भरा काम जमशेदपुर पुलिस के द्वारा। देखिए एक पुलिस के अधिकारी और साथ में देखिए अब उसको रेस्क्यू कर लिया गया है, जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से ऊपर आने का प्रयास, बहुत ही सराहनीय कदम पुलिस के द्वारा। जितनी भी तारीफ की जाए इस पुलिसकर्मी के, जमशेदपुर पुलिस के इस नौजवान के, कम होगा जिस तरह से अपने जान को जोखिम में डालकर इन्होंने युवक को बचाया है। सलाम है ऐसे नौजवान समाज, ऐसे पुलिस वालों पर।
लोगों का कहना, देखिए पीछे से आवाज भी आ रही है कि झारखंड पुलिस जिंदाबाद, अब पुलिस जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। जैसा कि अपने जान को जोखिम में डालकर तीन स्थानीय युवक और एक पुलिसकर्मी जिन्होंने इनिशिएटिव लिया, हिम्मत करके अपने जान को जोखिम, देखिए पुलिस जिंदाबाद नारे लग रहे हैं। ये पहली बार रिपोर्टिंग इतिहास है, मैं देख रहा हूँ कि झारखंड पुलिस के नारे जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। काफी हिम्मत भरा काम है। झारखंड पुलिस जिंदाबाद। देखिए जमशेदपुर में पुलिस प्रशासन जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। सलाम है ऐसे पुलिस कर्मियों पर। सर काफी बड़ा काम जमशेदपुर के पुलिस, क्या कहेंगे ऐसे पुलिस कर्मियों के ऊपर? क्या नाम है सर उनका? टाइगर मोबाइल का जाम, नाम है वीरेंद्र कुमार और ये दूसरा है वसीम। दोनों मिलकर काफी सराहनीय काम किया है और जो रेस्क्यू का काम हम लोग किरान मंगाने की कोशिश कर रहे थे, ये जान पर जोखिम खेल कर अभी जो इसको निकाला है बहुत ही बेहतरीन था और इसकी जान हम लोग बचा सकते। बहुत शुक्रिया सर। जिस तरह से मानगो थाना के प्रभारी अपने दल बल के साथ लगातार मौजूद थे, जमशेदपुर पुलिस के द्वारा किया गया, आम नागरिक की जो भीड़ थी, जमशेदपुर पुलिस, झारखंड पुलिस, देखिए झारखंड पुलिस और जमशेदपुर पुलिस के जिंदाबाद के नारे लग रहे, काफी बड़ा काम। देखिए ये देखिए जमशेदपुर में काफी कम ऐसा देखने को दिया है, अब पॉलिटिशियंस के नारों को देखते होंगे, लेकिन मानगो पुलिस जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। जिस तरह से जान को जोखिम में डालकर एक टाइगर मोबाइल जवान एक आम नागरिक को, देखिए उस तरह वहां पर भी भीड़ लगा हुआ है, काफी बड़ा युवक शायद नशे की हालत में है और जिस तरह से वो समझ लीजिए मौत के मुंह में समा चुका था, एक दो फीट का भी पाइप नहीं होगा, उस बीच में वो लेटा हुआ था, उसको वहां से बचा पाना मेरी नजर में तो प्रथम दृश्य में नामुमकिन लग रहा था। जब मैं यहाँ आया तो ऐसा लग रहा था कि वो अब मौत के मुंह में समा चुका है, लेकिन जमशेदपुर के टाइगर मोबाइल जवान वीरेंद्र कुमार और वसीम को सलाम, आजाद रिपोर्टर की टीम के तरफ से सलाम। जिस तरह से उन्होंने हिम्मत का उदाहरण पेश किया है, जमशेदपुर पुलिस अपना फर्ज निभाते हुए जिस तरह अपने जान को जोखिम में डालकर ब्रिज के पार एक कपड़े के सहारे से अपने जान को जोखिम में डालकर पुल में उतरे और उसके बाद वहां से उसको निकाला गया, तो काबिले तारीफ जमशेदपुर पुलिस का पुलिस जिंदाबाद के नारे यहां पे आम नागरिकों के द्वारा लगाया जा रहा है। तो इसी तरह के अपडेट आजाद रिपोर्टर की टीम के साथ, इस तरह के अपडेट्स के लिए बने रहे। क्या कहेंगे भाई, क्या पता चला था, कैसा जमशेदपुर पुलिस के द्वारा इतना सराहनीय काम, क्या कहेंगे इसका? क्या कहेंगे भाई, हम क्या बोले, हम तो खुद अभी पहुंचे, हमको अभी देखिए ये लेट से पहुंचे हैं, लेकिन जिस तरह से लगातार जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, पुलिस करना बंद करो, देखिए नारे लग रहे हैं कि पुलिस को बदनाम करना बंद करो, तो एक काफी बड़ा काम, काफी हिम्मत भरा काम जिस तरह वीरेंद्र कुमार और वसीम के द्वारा की गई। ये दोनों टाइगर मोबाइल जवान वहां मौके पर मौजूद थे और देखिए अभी भी युवक को समझाया जाए, देखिए वो जाने को तैयार नहीं और लगातार उसे लोड करके ले जाया जा रहा है। तो इसी तरह के अपडेट्स के लिए आजाद रिपोर्टर जमशेदपुर की टीम के साथ बने रहे, हम आपको इसी तरह की खबरों से अपडेट देते रहेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।